साथियों गुड इवनिंग। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था एक भाई का, तो बता रहा है कि मतलब मैं बहुत अभी इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये वीडियो आपको देखना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो भाई ने वैसे हमेशा ऐसी बात नहीं है, अच्छा वीडियो बनाते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी इसलिए बोलता हूँ कि फौजी में और किसी सिविलियन में बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों मान लो कोई फौजी वर्की आर्मी के अंदर 20 साल सर्विस करके आया है, 24 साल करके आया है, लेकिन वो एक सिविल सिविलियंस होते हैं, भले ही वो कितना भी तेज तरह ना हो, लेकिन वो आर्मी के बराबर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकता। तो पहले तो उन्होंने जो बीजी की फॉर्म बता रहे हैं वो भाई जी, वो बोल रहे हैं बंगाल इंजीनियरिंग, नॉट इंजीनियरिंग यार, बंगाल इंजीनियर्स होता है, वो इंजीनियर्स सेंटर होता है, ठीक है, टाइम बाल से 16,000। तो वो बता रहे हैं जो भी इधर उन्होंने बताया, और तो बता रहे हैं कि जो बच्चे टीए आर्मी के अंदर जो भर्ती हैं मान लो पहले से ही, तो जो टी आर्मी में कोई है, तो भले उसका कोई बच्चा बेटा है या टी आर्मी में कोई सर्विस कर रहा है तो उसका कोई भाई है, तो भैया मैं पहले ही बताया वो कई वीडियोज़ में कि टी आर्मी एक रेगुलर आर्मी की तरह ही है, और जो जो फैसिलिटी आर्मी में मिलती है वो टी आर्मी में भी मिलती हैं, तो उसका भी रिलेशन सर्टिफिकेट बनेगा। आज ही मुझे एक बच्चे का वो फोन आया था, सर मैं सर्टिफिकेट बनवा लूँ भर्ती हो जाऊँगा। मैं बताया हाँ भाई क्यों नहीं हो जाओगे भर्ती, आप जरूर भर्ती हो जाओगे, बनवाओ। तो जो भी जिनके भी पापा या भाई फौज में जो टी आर्मी में किसी भी यूनिट में सर्विंग कर रहे हैं, तो वो उनसे बोल करके अपना सर्टिफिकेट बनवाओ। अगर आपका वहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज है, प्रॉपर आपकी वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और जो आपका नाम है वही वहाँ पर मेंशन है, जरूर आपको वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसी भी आर्मी भर्ती में आपका वही काम करेगा जो एक नॉर्मल आर्मी वाले का सर्टिफिकेट काम करता है। तो उसमें टेंशन लेने की इतनी कोई ज़रूरत आपको है नहीं वैसे, ठीक है साथियों। तो ये थी खबर जो मैं अभी वीडियो देख रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना इस चीज़ से आपको अवगत कराया जाए। काफ़ी लोगों का वैसे तो गलत रही भांति पड़ती, लेकिन इस भाई ने तो अच्छा वीडियो बनाया, ऐसी बात नहीं है, बट जो थोड़ी सी कमी थी वो मैंने पूरी कर दी। ओके दोस्तों, ये चीज़ें घर दी, जो फिर भी अलग होगा वो। थैंक यू, दोबारा।